गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पखवाड़े व्लॉग्स। फिलहाल सुबह सुबह भी घर पे कोई नहीं है, सब गए हैं। मम्मी पापा गए हैं मंडी सामान लेने के लिए, सब्जी वगैरह लेने के लिए गए हैं, और भाई गया हुआ है अपने ऑफिस में खेल रही हूँ। तो फिलहाल तो मैं अंडे रख रहा हूँ। अंडे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि कल मैं अंडे लेके आया था, अंडे की ट्रे लेके आया था पूरी की। वहाँ पर जो कोच है जो जिम में है वो भी कहता है कि भाई सुबह आलू अंडे कुछ ऐसा चीज़ दो या तीन खा के आओ, उससे सही एनर्जी सी रहती है। तो इसलिए तो फिलहाल मैं अंडे रख रहा हूँ। उसके बाद इतना अंडे हो जाएंगे, इतना फ्रेश वगैरह हो लूँगा, अपनी टी शर्ट वगैरह मुँह जो भी धोना वगैरह सब कुछ हो लूँगा। उसके बाद बस ये दुआ है कि मम्मी पापा और जल्दी आ जाएँ, वो जितना लेट आएंगे उतना लेट मैं जा पाऊँगा। अब जा रहा हूँ मैं नीचे, वो इसलिए कि जो अंडे थे वो अच्छे नहीं निकले। उसने जाते मुझे उसने अंडे की ट्रे बिगाड़ दी, क्योंकि अंडे जब उबले तो अंदर से काले हो गए, और काले होने के बाद फिर उसमें सूंघनी बहुत बेकार आ रही है और अच्छे नहीं हो रहे, सारे फट भी गए, दो तो अंदर ही फट गए थे। एक तो मैंने फेंक दिया, वो तो था ही नहीं कैसे, और ये पानी में ही बेकार हो गए। मगर ये अब मैं इनको बाहर फेंकने के लिए जा रहा हूँ, बेकार। मैं जाऊँगा उसके पास चेंज करके आऊँगा, उसने सारे ऐसे अंडे कैसे दे दिए। ये मेरा पपीता है जो कि आपने पहली वीडियो में देखा ही था, ये कितना मर गया था, इसके नीचे कुछ पत्थर पुत्थर आ गया था, पर मैंने इसे कर दिया था, पानी देने लगा था, अभी चलने लगा। ये दोबारा ऐसे कातना चला दूंगा, इसकी खिलावट आने लगी, धीरे धीरे हो जाएगा ये। बाकी पपीते मेरे ठीक हो रहे, मर पता सबसे ज़्यादा बढ़ता ही है। काफ़ी लेट हो गया हूँ, बस अब जब खाना पीना कुछ नहीं, ऐसे जिम जा रहा हूँ। जो अगर कुछ हुआ ऐसा तो 10-20 रुपए की चॉकलेट रस्ते में से लेकर खा लूँगा, उसके बाद देखा जाएगा। अंडे तो नसीब थी नहीं, बेकार चीज़ यार, जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। भूख कितनी लग रही है, और कुछ हल्का फुल्का है नहीं खाने का, क्या तो पड़ेगा है ना, सूखा सी रह जाऊँगा। हल्का भी यहीं का है थोड़ा बहुत, वहाँ जाके बैठ जहाँ करने लगे हैं उसके बाद हल्का सी, तब फिर तो जी लगने लगता है, पर आज भूख भी लगती है बहुत ज़्यादा। रास्ते में कुछ ले लूँगा। एक्सरसाइज करके ऐसी पंप सी होगी चेस्ट, स्टार्टिंग पंप होती है पता है, पर इतना जी कर रहा है, चॉकलेट खा गया, केले ले गया, मौका छत्ती कम नहीं होनी चाहिए ऐसा जी कर रहा है मेरा। तो अभी अभी जिम से आया था, और जिम से आते ही एक काम और बढ़ गया, अभी गमलों पे इन सारों पे कलर करना है, लाल कलर है वो सारे गमलों पर करना है। दिवाली आ रही है तो धीरे धीरे सारा काम कर रहे हैं। टैलेंटेड हूँ, सारे काम पकड़ कर दिया, सारे काम कर लूँ तो मैं ऐसे। तो दूजा तो हो गया, अब बारी है पेट की, पेट दूजा भी कर ले थोड़ा सा। नाश्ता मेरा बन गया, नाश्ता का तो खाना ही हो गया, लेट हो गया मैं खाना। मम्मी ने पूछा कि तू कितनी रोटी खाएगा, मगर 8 से 1 2। तो मम्मी ने बोला कि मेरा मुड़का मार ले, तो मैं जा रहा हूँ मम्मी के मैं मुड़का मारने के लिए।
भाई कहो ना वरना फिर भाई ऐसा खाना बड़ा टेस्टी है, मक्की रोटी भी है और मट्ठा भी है। मम्मी गुड़ ला दो, रोटी बहुत है कितनी, हाँ बहुत है, गुड़ ला दो, चावल ला दो, वो भी खा लूँ, चावल भी आ गई। अभी तो मैं सो गया था, अब उठाऊँ, अब पेटीज खाने के लिए जा रहा हूँ। वो दिन गया था स्कूल के बाद, वो दिन तो वो था नहीं वहाँ पे, अब जा रहा हूँ शाम को, क्या बताओ बाहर का। तो वैसे आता डेली है वो, उसी दिन नहीं आया था क्योंकि अभी मम्मी को भी खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो मम्मी पूजा ही कर रही है, उसके बाद पूजा होगी फिर साग बनाएंगी आज, तो उसमें टाइम ही लग जाएगा। और भूख ऐसा लग गई, सो के और भूख लग गई, अब बस देखता हूँ कि बस आ जाए वो आज। अरे भाई ये कि आज मिल गए, ना बहुत दिन हो गए थे खाए हुए, फिलहाल में पेटी जा गई है। और ये अंकल जी हैं, फिलहाल तो आज अंकल जी, ये अंकल जी हैं, बहुत बड़े पेटी बनाते हैं, यूनिवर्स के कैंप है इसके पीछे ही बनाते हैं, अब मैं खा लेता हूँ। तो मैं पेटीज खा के आ रहा था, उसमें बीच में रक्षित का फ़ोन आया, ये है वो जो दिन ढाबे में मिला था, आया था लेट आया था। अब इसका मन कर गया दोबारा आज कहीं जाने का, पता नहीं कहाँ दिमाग में, फिलहाल तो मैकडी कह रहा है या कहीं, उसका कुछ भरोसा नहीं है अभी, बस का मन कर रहा है। तो इसने मुझे रास्ते में से आ रहा था, इसका फ़ोन आया कि भाई आ जा चल रहे हैं, मैं कहा चलो मैं तो ठहर ली हूँ घर पर, मेरा क्या चल रहा है अभी, कुछ नहीं, फिलहाल हम जा रहे हैं, फिलहाल एक दो दोस्त हैं उनके पास जाएंगे, उन्हें उठाना है, उसके बाद फिर हम चलेंगे, या तो मैकडी हल्दीराम कुछ ऐसे प्रोग्राम है उसके बाद। महाराज जी शॉर्टकट ले रहे हैं, सोना सीधा रास्ता था एक, इसकी चले साइकिल खड़ी कर रखी है, अब जाके हटानी पड़ेगी, पहले कहा था सामने से ले ले, शॉर्टकट लेके इंगे को ले रहा, यहाँ पार्क है पर कुछ भी कहो, छोटे छोटे उस्ताद बहुत है, बिल्कुल रोड पर लगा रखी है। साइकिल हटा दी, कोई नहीं, चार पाँच घंटे बच्चे खेल रहे थे वहीं पर, अब हम चल रहे हैं आगे। तो आज के टाइम है बच्चों का, तो क्या कह सके, कहीं कुछ इकट्ठा करते हैं, वैसे हटा दी ज़्यादा कोई नहीं, बच्चे वहाँ पार्क था तो बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे। अब हम जा रहे हैं अपना मैकडी, फिलहाल हम दो ही जा रहे हैं, उन दोनों ने लिया नहीं अब जहाँ, क्योंकि अब कहाँ वापस जाते हैं, तो बाद में बीच में प्रोग्राम से बना था, छोड़ो। अब हम जा रहे हैं मैकडी और अब कोई समस्या नहीं आएगी, आई तो इस बच्चों को आगे किसकी चलती है सही बात है किसी की नहीं चलती। लो जी सिंगल साइड थी, मतलब जाने की थी, इधर काम चल रहा है पल्ली वाली रोड पे, तो शायद इधर से ही आ गया आज, तो बार बार जाने अब यहाँ जाम ना लग जाए बस। गाड़ी पार्क कर दी है, लगा दी पार्किंग में, पर मैकडी जाने से पहले सबसे पहले हम जाएंगे टॉयलेट में, क्योंकि प्रेशर बहुत बन रहा है ठंड का, वो भी है, तो बाबूजी ने थोड़ी आ भी रही थी तो उन्हें एसी चला दी, और लाने देखे कितनी देर रोक के रख सकते हैं, अब तेज हो गया प्रेशर, अब जा रहे हैं बस बाहर के टॉयलेट में, उसके बाद जाएंगे मैकडी। मैकडी जाने से पहले आपको मैं अपने एक दोस्त से मिला देता हूँ जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, करो हाय मारो आ गए। हमने बर्गर खा लिया अपना, फ्रेंच फ्राइज हम लेते जाते हैं खाएंगे, उसके आते भी है मेरे आते हैं, दो दो लिए थे अपना, सब खाते जाएंगे। अब हम जा रहे हैं गाड़ी तरफ, अब हम चल रहे हैं घर। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू।